धीरज, आप आज लेट नहीं आए ऑफिस से और मेरे को आवाज भी नहीं लगाई आपने आके। क्या आवाज लगाओ यार श्रुति, आप रोज मेरे जब को तुम आवाज इंसान, लगाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं आ गया हूँ। तो तुम अंदर थे तो मैं बैठा था शांति से। वैसे भी तुम शांति तो रखते नहीं हो, तुम्हें आवाज देने बात तो बैठा था यार। तो आप मुझे रोज आवाज लगाते हो, बुलाते हो, आज ऐसा क्या हो गया कि इस मतलब आप इतना चेंज बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? अच्छा तुम्हें पता नहीं तुमने सबरे सबरे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की है। सब मैंने ही किया है ना? जब तुम्हें पता है कि वो मेरी फ्रेंड है तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं थी। फ्रेंड को फ्रेंड तक रखना चाहिए ना। फिर वो ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम कॉल करेगी आपको, आपसे बातें करेगी। श्रुति दिख रहा है ना, अभी भी देखो तुम मेरे कितने दूर खड़े हो, मतलब अभी भी मेरे पास आकर नहीं बैठ रहे हो, मतलब तुम में गुस्सा अभी भी भरा है। हाँ तो झगड़ा वो झगड़े भरना तुम, है ना, वो क्यों नहीं भरेगा? आपने एक बार भी मुझे आवाज लगाई, आप सुबह भी ऐसे चले गए बिना मनाए, तो मैं क्यों आपसे बात करूं? तो यार हर टाइम मैं ही मनाऊं, मैंने ठेका लेकर रखा है, तुम समझो ना इस बात को लेकर थोड़ा। अच्छा, अपनी बीबी को मनाना, मतलब वही लोग मनाते हैं जिन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि हाँ ठीक है मैं मनाऊंगा। तो कभी वाइफ नहीं मना सकती हस्बैंड को, मैं ऐसा जरूरी मनाती है? हूँ तो आपको, आपको मैंने कितनी बार नहीं मनाया ये बताओ। लेकिन मेरे ख्याल से झगड़ने वाली बात नहीं थी, बस मुझे इतनी समझ आ रही है बात। थी मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही रिएक्शन करता जैसे मैंने किया है। रिएक्शन क्या किया आपने, कॉल उठा दिया और उसे दो तीन बातें सुना दी। ये कोई बात होती यार, मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, और आपको पता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी यार। हाँ ठीक है, मतलब अब मुझे इतना भी हक नहीं रहा है इस रिश्ते में कि मतलब मैं आपका कॉल उठा सकूँ। नहीं यार मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम जाओ यार अंदर, तो अंदर ही तुम टिकते, मेरा और सर दुख जा रहा है, ठीक है ना। आपका यही है हर बार का, आपको यही करना आता है और आप यही करते हो। तो मुंह क्यों बना रहे हो यार, रोने वाली की बात है, आओ इधर बैठो जल्दी आओ नहीं मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी, आप आओ। श्रुति नहीं करनी। श्रुति इधर आओ बेटा, हर बार ऐसे नहीं होता, आप कुछ भी बोलोगे और फिर मनाने लग जाओगे। ठीक है मैं आता हूँ। क्या मुसीबत है ना, क्या होगा तुझे, तुझे पता है ना कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो नहीं मुझे नहीं पता। तुझे बताया था ना मैंने, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, तुझे बताने बाद भी तू उसे बातें सुना रही है, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? क्यों नहीं और तुम्हारी, सुनाओगे? तुमने सुना ही नहीं उसे बातें। तो क्यों नहीं सुनाऊं? मुझे किसी लड़की का कॉल आएगा तो फिर मत बोलना मेरे को फिर। मैं तो उसके मतलब क्या क्या तोड़ दूंगा, तुम सोच सकते हो ना। फिर नहीं, फिर मैं भी एक बेस्ट फ्रेंड बना लेती हूँ, उससे फिर से कांटेक्ट स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मेरे को नहीं बोलना। ऐसे करोगे आप, ऐसे करोगे हाँ मैं ऐसे ही हूँ, फिर तो रोने लग जाओगे आप। नहीं रोती मैं, आप जाओ कर तुम्हारा तो लो बहुत बात। ईगो तुम्हारा तो बहुत ईगो आता है ना मुझे सॉरी बोलने में। तो ईगो की बात ही नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों सॉरी बोलूं? तुम्हारी गलती थी, क्या गलती थी मेरी बताना। तुमने कॉल उठाया और उसे बातें सुना दी, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? नहीं अच्छा, मेरी गलती ये थी, मुझे कॉल उठाना था और उसको बोलना था आप आओ हमारे घर पे, मेरे हस्बैंड से चिपको, उनसे प्यार से बात करो, उनकी गोदी में बैठे हुए ना, ये करना था ना। मतलब सारा हक तुम्हारा हक उसे दे दिया, लगता तो ऐसे ही आपने दिया है। मैंने किसी को नहीं दिया है, तुम्हारा हक तुम पर ही है, ठीक है ना। आओ तुम गोदी में आकर बैठ जाओ चुपचाप, आप नहीं मुझे नहीं आओ बैठना, इधर नहीं। आओ दे, अरे इतनी दूर चलो इधर आओ। क्या है अब, क्यों मना क्या रहे हो? है क्या है? क्या है, हाँ तो मैं सुनो ऐसे नहीं मानने वाली, मुझे मत मनाओ, मैं गुस्सा हूँ। बच्चे, सुनो ना, नहीं सुना। सुन लो, सुन रहा है कोई? तो बोले चेहरा तो उधर है, इधर देखो ना। नहीं, उधर देख के बोलना है मुझे, बोले सॉरी नहीं। अब कोई सॉरी नहीं, आप जाओ बात करो, आप मेरी वजह से बात रह गई होगी आपकी, आपने बात नहीं करी पूरी। अरे माफ कर दो ना यार, सॉरी ना। वैसे ही आता है आपको, गलती करो माफी मांगो, गलती करो माफी मांगो, गलती करो माफी मांगो, तो और आप, मैंने तुम्हें गलती क्या, कर दी ना तो फिर पता नहीं क्या ही कलेश हो जाना है घर में। तो श्रुति
आप कभी गलती नहीं करते, तो मैं माफ कर देता हूँ ना। मैं ऐसी गलतियां नहीं करती। फिर एक काम करती हूँ, ओ मैं अपने जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना राहुल, उसको मैं कॉल करती हूँ, उसको बोलती हूँ कि तुम उससे फिर से बात करने लग। तो फिर उसके मतलब हाथ पैर टूटेंगे, तो फिर मुझे नहीं बोलना, ठीक है ना? क्यों आप मेरे बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी बोलोगे और मैं नहीं बोल सकती? तुम्हें पता है मैं ऑफिस वर्क के पहले मैं एक बड़ा लोफर लड़का था, पता है? नहीं बात ऐसे घूमता था आवारे की तरह। फिर तुम मुझ पर चिल्लाते थे, धीरे जी क्या है, धीरे जी क्या है, और आज जो भी हूं मैं तुम्हारी वजह से हूँ। नहीं, आप मेरी वजह से नहीं हो, आप अपनी वजह से हो। नहीं यार, मैं आपकी वजह से हूँ जो भी हूँ। नहीं, मैंने क्या किया है? हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको चेंज किया हो, मुझे लगा था शायद ए, मैं। ताने मत मारो ना तुम, ठीक है ना? नहीं, मैं उसको कॉल करूंगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, और बोलूंगी कि अब मेरे को तुझसे रिश्ता रखना है बेस्ट फ्रेंड क्या मुसीबत है ना, फिर का। कच्चा सेम टू कच्चा यू। चबा जाऊंगा तुम्हें। तुम्हें से देखो मत, इतना ग्लो आ रहा है चेहरे पर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है। सारा दिन क्या खाते रहते हो तुम? आपको नहीं बताऊंगी। तो हस्बैंड को ही बताओगे तभी तो अच्छा दिख पाऊंगा ना मैं तुम्हारे सामने, वरना फिर बोलते वरना फिर कोई बोलने ना लग जाए, मैडम ये ड्राइवर ड्राइवर आपका है। अच्छा, फिर बोल के दिखाए अच्छा ना, मैं मुंह ना तोड़ दूँ उसका। गलती आपने की थी, आपने सॉरी बोला नहीं, ठीक है ना? गलती मैंने नहीं की थी, नहीं की थी, नहीं की थी, और नहीं सॉरी बोलूंगी। ओके ना, मत बोलो ना, आपका ईगो आता है तो आप क्यों सॉरी बोलोगे? सॉरी इसमें तो बोलने का ठेका ईगो? मैंने लेके रखा है ना। हायर बस में ईगो वाली कौन सी बात है, ये बताओ। ये तुम्हारा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा, ये कहाँ से लाया था हाय रब्बा? अच्छा लगा ना? अरे बहुत सा प्यारा है तुम्हारे मुंह से, ऐसे लगता है कि बस कि मक्खन मत जाने लगाओ, चले मैं जाएंगे अब नहीं मेरी। मानने वाली। मक्खन मत लगाओ, नहीं मानूंगी। ये मत सोचो गुस्सा साइड रख के आपसे प्यारी वारी बातें करने लग जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हो रहा है, तुम क्या, तुम्हारा गुस्सा तो कहाँ से कहाँ चले गया? ऐसा अभी तक तो नहीं 50 किलोमीटर दूर चले गया हो। है, ऐसा नहीं है। क्या? क्या हूँ? ऐसे मत देखो, ठीक है ना? नहीं, नहीं, बहुत गंदे हो आप। आई हेट यू। वो तो बता दिया, कितने दूर भागे थे पास। जाओ इधर, कोई नहीं है, मजाक कर रहा था। ये क्या था? तुम कितने दूर भागे, ये क्या था? तुम कितनी इतना इतना डरते हो? हाँ, बहुत डर लगता है मुझे आपसे। चुप रहो आप। चिपक रहे थे, बोलो दादी आई भागे दूर। नहीं, मुझे मम्मी बुला रही है, मुझे काम पे काम करना है कुछ। चलो आओ इधर, दरवाजा लगाए तो कौन है, कैसे कैसे कोई अंदर आ अरे पाएगा, मम्मी पागल बुला लड़की। रही है ना, आवाज लगा रही है मम्मी। बहुत आवाज लगा दी तुम्हें, बाजी तू मम्मी आवाज लगा रही है, झूठी। आओ इधर, नहीं, मुझे तो आज किस लेकर रहूंगा मैं। मैं मारूंगी बहुत तुमको, ठीक है? ओके ना, देखता है ना, तबीयत तो मुझे मिल ही नहीं, क्योंकि रोज का मेरा डेली शेड्यूल लगा है किस लेने का, आपको भी पता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कर ऐसे ही लो है डेली, लेकिन लड़ाई, आज लड़ाई सब कर सब सब लो, झगड़े कर लो, कहाँ से मिलनी है किस। झगड़ा तुमने किया था, ठीक है ना? आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो हर जगह से ओ अच्छे थैंक्स, हो। थैंक यू, लव तारीफ नहीं कर रही, यू। मैं ताने मार रही हूँ। आई हेट यू। चला मुंह बना के भागो ऐसे, जाओ मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। मेरा तो सड़ा मुंह है, आपका कैसा है? चिपकली अरे जैसा बहुत है। सब चिपकली जैसा तुम्हारा है, ठीक है ना? नहीं, मेरा तो बहुत क्यूट है, तभी तो इतना सारा ग्लो आ रहा अच्छा है। ओहो, हाँ, इतना ग्लो हाय में मर जाओ बस। अच्छा, मैं ना कुछ मेरा बोलूँ? ना तुम, जी जी बोलो। नहीं छोड़ो, आप मजाक लोगे। नहीं नहीं बताओ क्या हो गया, क्या नहीं ना, आप किया मेरे तुमने शक्ल सारा में। दिन, सारा दिन क्या किया तुमने आज? मैं मम्मी से बात कर रही थी, फिर खाना बनाया, फिर आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हो गया? सामने वाली जो आंटी है वो आई घर पे, आई और तो हाँ, सुनो ना। आपने भगा दिया उन्हें? अच्छा नहीं ना बाबा, नहीं भगाया, सुनो। बोलो। तो आई और बोलने लगी कि मतलब मम्मी को बोल रही थी कि
आप कब गुड न्यूज़ दे रहे हो हम सबको? अच्छा तुमने क्या बोला फिर? आप मेरे तरह पैसे मत देखो, पहले बात सुनो। अरे बाप, तुमने बोला नहीं कि मेरा हस्बैंड तो मतलब हर टाइम रेडी रहता है, लेकिन मैं ही ऐसी हूँ कि बस मानती नहीं हूँ। तुमने बताना चाहिए था, मेरी गलती निकालेंगे नहीं वरना सब लोग। अब मेरी बात ही सुनिए, जाओ मत सुनो पूरी बात। बोलो बताओ। सॉरी, तो उन्होंने ऐसा नहीं, मुझे बोला, नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। प्लीज ना सुनो। ओके सुनाओ सुनाओ। सॉरी, तो उन्होंने बोला कि एक आप सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे तुम्हारे गोदी में सोने दो, फिर आ जाए। ये, कोई बात नहीं होती, मैं बात कर रही थी ना। सॉरी ना, पहले सोने दो ना मुझे, फिर आप बताओ। ठीक है, आप कंफर्टेबल है मुझे? मतलब मेरी बातें सुन के नींद आती है, ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, लो यार, उठ गया, क्या मुसीबत है लड़की की? नहीं, आप सो बताओ जाओ, ना। सो जाओ। नहीं, सॉरी। नहीं सो जाओ, अरे रे, आओ ना, नहीं सो जाओ, फिर बातें। नहीं करनी ना आपको बात। क्या बात है? अरे क्यों चीर रहे हो? सॉरी ना, सॉरी बच्चा। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, तो मम्मी मेरी तरफ देखने लगी, हाँ ठीक फिर, है? और फिर मेरे पास कुछ था नहीं बोलने के लिए, तो फिर मैं कमरे में आ गई। अरे तो उन्हें बताना चाहिए था। अभी हम 2 साल अभी मतलब एंजॉय एंजॉय करेंगे यार। सिर्फ अभी 3 4 मंथ हो गए अपने शादी में, 4 मंथ हो गए ना, 4 मंथ अभी कंप्लीट होंगे अपने 2 4 दिनों बाद। तो आपको तो बोलना है ना जवाब, आप तो गेमिंग के दो। अभी से अपने को इन चक्रों में नहीं पड़ना है। आपको भी पता है, अपन ने पहले डिसाइड किया था कि अपन पहले 2 3 साल अपन अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर मैंने बच्चों के बारे थोड़ी में सोच। बोली है, तो मैंने थोड़ी बोली है बात। हाँ नहीं, उन्हें बताना चाहिए था कि आंटी ऐसा नहीं है कि ना मतलब वो बाहर वाले क्या करते हैं, फिर इसे मतलब कोट निकालने लगते हैं। आपको भी पता होंगे नहीं, ना ये वो बात। बाहर वाले की वजह से नहीं बोल रही थी, आप नहीं समझे। क्यों बोला? किसने कोट फिर कैसे बोला? नहीं समझा यार मैं, बताओ ना। एक्चुअली उनकी मतलब जो बेटे की वाइफ है, हाँ तो वो जल्द उन्होंने जल्दी प्लानिंग कर ली, तो वो उस वजह से चिढ़ा रही थी मम्मी को। इसमें कोई चिढ़ाने वाली बात ही नहीं होती, मतलब सबका अपना अपना होता है ना श्रुति। फिर मम्मी मुझसे पूछ रहे थे कि मम्मा को बताना चाहिए था फिर अपन ने मतलब क्या डिसाइड किया है, तो अपन नहीं, दोनों ने मैंने मिलकर। बोल दिया था वो आएगी तो अपना आप बताएगी। कौन बताएगा? आप बताओगे? वही मैं क्यों बताऊँ, तुम पागल हो? क्या? अच्छा ऐसे नहीं होता है, मम्मी को, मम्मी के साथ तुम कंफर्टेबल हो, मैं नहीं हूँ। आप बता देना कि ऐसा नहीं है, 2 3 साल बाद आपके हाथ में आपका नातिया आ जाएगा बोलना। फिर नहीं, 2 साल बाद भी नहीं, अभी टाइम है, 3 4 साल रुकते हैं फिर देखते हैं। 10 10 साल बोल लो, मुझे घर के बाहर निकाल लेंगे घर वाले। बात तो आपके ऊपर आएगी ना, मेरे ऊपर तो नहीं आएगी, मैं तो घर में ही रहूंगी। घर में रहोगे तो कुछ नहीं, 2 साल ठीक है, 2 साल इनफ है यार, 2 साल अपन एंजॉय कर सकते हैं, और अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं अपन। आपको भी पता है ना श्रुति, अच्छा, आपको कॉल नहीं करनी? क्या नहीं करनी कॉल नहीं करनी अपनी बेस्ट फ्रेंड को? बात नहीं करनी? भूली नहीं हूँ मैं कुछ ला, भी? क्या मुसीबत है, ला लेकर आया उसको फिर से बीच में, इतनी मस्त मस्त बातें चल रही थी, मस्त मैं तुम्हारे गोदी में सोया हुआ, अच्छा नहीं दिख रहा हूँ नहीं, इसलिए तो बोला है, जिससे आप उठ के मुझे। चले जाओ। अच्छा मुझे पप्पी चाहिए फट से। अरे नहीं, दे दो ना, लड़ाई करने वाले को कुछ नहीं मिलता। चल सॉरी ना, चलो मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ ना, नहीं, मुझे नहीं सुननी, सॉरी। दे दो ना। नहीं अरे दे दो ना, नहीं ठीक है जा रहा हूँ मैं उसको। चाहो अच्छा सुनो, क्या है आप? हाँ नहीं कुछ नहीं, चाह नहीं, कुछ बोलना चाहते थे? रुका हूँ मैं, रुका हूँ अभी जाने का। नहीं खाना क्या बनाए? फट से बोलो, जाओ फट से खाना खाना लाओ, एक प्लेट पे खाना अभी खाते हैं। मैंने बनाया नहीं। क्या मुसीबत है तुम्हारी, सारा दिन क्यों नहीं बनाया? क्या हो गया था तुम्हें? तो ओ, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। क्या बाहर का खाना है या मैगी खाना पसंद करोगे मेरे हाथ की? बताओ क्या खाना है। मैंने बाहर का खाया था ना, इसलिए तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। समोसा कचौरी भेल ऐसे वैसे कुछ बोल दो।
तो अब होगी ना सर्दी, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे कर रहे होंगे, फिर नहीं कैसे कैसे कर रहे नहीं अच्छा सुनो बता। ना श्रुति, चलो ना जल्दी से फिर फर्स्ट से बाहर खा कर आते हैं ना अपन। हाँ रोज बाहर ही खाएंगे ना, बहुत पैसे आ रहे हैं आपके पास। इतना तो तुम्हें समझना चाहिए, फिर मैं क्या खाऊंगा, मुझे भूख लग गई ना। तो बताओ ना आपको क्या खाना है, मैं बना के लाती हूँ आपके लिए। रहने दो यार, आपकी तबीयत नहीं अच्छी है, आग भी गर्म लग रहा है, बैठे रहो, नहीं मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं बनाना, मैं बना लूंगा, मैगी खाऊंगा, मेरे हाथ की मैगी बना लूंगा। क्या नहीं मन नहीं है, खाऊंगा फिर, चाय कुछ लेकर आऊँ, नहीं। चाय बिस्किट खा लेंगे। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, आप बना लो, आप खा लो। क्यों नहीं खाना यार, पागल हो गए तुम, तबीयत खराब कर रखी है पागल ने। मेरी फिक्र किसको है, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करनी है, रहने दो, बेस्ट फ्रेंड को बीच में मत लाओ अभी, क्या और करना। फिर उसको कुछ बोल दो तो फिर मतलब मुंह बन जाता है सामने वाले इंसान का। हाय रब्बा, इतना कुछ नहीं लोचा होता, है हाय ना, रब्बा, इतना तुम्हारा नाम ही लोचा हाय है, रब्बा रख दूं मैं। इतना लोचा है ना लाइफ में, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हम। बहुत लोचा है, जैसे तुमसे शादी की ना, तो इतना लोचा लग गया मेरे पीछे, इतना बड़ा लोचा लग गया कि आपके लिए सारा तो लोचा दिन मैं मेरे हूँ से चिपके ना, रहता है। मैं हूँ ना आपके लिए लोचा, बोल नहीं नहीं दो, लोचा तुम, नहीं, तुम नहीं, मैं नहीं तो बोल ऑफिस की बात कर दो, रहा था। नहीं, मैं तो ऑफिस की बात कर रहा था। रहने तो झूठे, साफ नजर आ रहा है आपके चेहरे पर, आप बोलना क्या चाह रहे थे। अरे नहीं बाबा, अच्छा सुनो ना, फालतू टाइम पास मत करो, बताओ फट से क्या खाना है, मैं फट से बना लूंगा तुम्हारे लिए। कुछ नहीं खाना, आइसक्रीम खानी है। और ऐसे करने लोगे, नहीं खिला रही ना, मत खिलाओ, ठीक है कोई बात नहीं नहीं, खिलाने वाला मैं, सर्दी होगी तुम्हें, तबीयत नहीं आपकी ठीक, नहीं खिलाने वाला। ठीक है नहीं खाना, और कुछ नहीं, आइसक्रीम ही खानी है, रहने दो यार, नहीं ना श्रुति, अच्छा चॉकलेट खिला खानी सकता हूँ, है, नहीं खानी, आइसक्रीम, चॉकलेट खिला, चॉकलेट खिला सकता हूँ, आइसक्रीम चॉकलेट। आप खाओ, मुझे नहीं खानी चॉकलेट। आए और पड़े देखो मैं, और देखो मेरे बच्चों के लिए मैंने क्या लेकर आया है, बच्चे तो हुए भी नहीं है, देख लो मैंने क्या लाया है बैग में, जाकर देखो, चॉकलेट पड़ी है उसमें दो, सॉरी सॉरी बोलने के लिए, मतलब सॉरी बोलूंगा बोला, और चॉकलेट भी लाई प्यारी सी दो, जाकर देखो। अपने होने वाले बच्चों के लिए लेके आते हो, मेरे लिए क्यों लेके आए हो। अच्छा मेरा ये, मेरी जो जान है वो मेरे बच्चे से कम है क्या, तू तो एक छोटे से छोटा सा बच्चा है यार, नहीं मैं नहीं हूँ, जाओ चॉकलेट खा लेंगे, जाओ फट से। मैं राहुल को लेके आऊंगी, राहुल से बोलूंगी मेरे को बाहर लेके मैं चलो, चाटा वाटा मार दूंगा फिर, हाँ फिर ना बोला मुझे, चाटा मेरे को बाहर लेके चलो राहुल डिनर पे। मार दूंगा श्रुति। क्यों चिड़न हो रही है, क्यों जल रहे हो। अब वो जलन हो या कुछ भी हो, तुम जाओ ना, ओ माय तुम गॉड, कोई चुप चुप जेलस, सुनो ना, तुम चुप 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 चुप, दबा दूं तुम्हारा मुंह, चुप, मेरी बात सुनो, मैं मैगी बना कर लाता हूँ, तुम यहाँ ही बैठ रहो, तुम टीवी देखो या फोन यूज करो, तुम्हारा से मतलब, मैं 5 मिनट में मैगी बना कर लाता हूँ, फिर साथ में खाते हैं, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता, अरे ऐसे नहीं होता, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप बताओ किचन में, मैं कर लूंगा सब, ठीक है। हाँ ठीक है बैठे रहो, कहीं जाना नहीं। ठीक है।